Hey, hello everyone, welcome back to Student Yard. मेरा नाम है अर्पित, मैं हूँ एक टीचर एंड एक यूट्यूबर. एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं आप सभी का हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो. इसकी रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा आई गाइस कि मैं क्या बताऊँ. गाइस, वीडियो है ऑन बेस्ट 10 रुपीज़ बॉल पेन इन इंडिया. तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे बॉल पेन हैं, लगभग 40 बॉल पेन हैं. एंड गाइज, आज हम इन सभी को कंपेयर करेंगे. सभी के सभी 10 रुपए के हैं, है ना गाइज. आज हम इन सभी को कंपेयर करेंगे एंड आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा पेन बेस्ट रहेगा गाइज, है ना. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है. एंड अगर नहीं किया है गाइज, सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएँ एंड गेट सब्सक्राइबर्स, है ना, क्योंकि इंडिया बेस्ट स्टेशनरी कॉन्टेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है गाइज. तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो. ओके गाइस, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार बेस्ट पेन कौन सा है स्टूडेंट यार, आप डायरेक्ट हमको बता दें नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, है ना, वीडियो खत्म करते हैं. एक्चुअली गाइस, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जो पेन देख रहे हैं ये काफ़ी सारे पेन अपनी अपनी कुछ खासियत रखते हैं ना. हर पेन की कुछ एक स्पेसिफिकेशन है, हर पेन एक पर्टिकुलर नीड को सूट करता है. तो डायरेक्ट बता पाना 1, 2, 3 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाएगा. तो गाइस, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इन सभी पेन को आपके लिए कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है एंड हम आपको उस कैटेगरी वाइज विनर बताने वाले हैं. अब वो कौन कौन सी कैटेगरी से गाइस, तो यहाँ पे देखते हैं. तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले पेन आ रहे हैं वो है बोल्ड पेन. बोल्ड पेन गाइस मतलब क्या होता है, जो ट्रेडिशनल बॉल पेन होता है हमारा, उससे ज़्यादा तो उससे थोड़े से ज़्यादा जो स्ट्रोक हमारे थिक होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा लिखें, तो वो हमारे पास पहली कैटेगरी है बोल्ड पेन की. देन गाइस, हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं कुछ रिट्रैक्टेबल पेन. अब रिट्रैक्टेबल मतलब क्या होता है गाइस, तो आपने ये पेन देखे होंगे जो हम बचपन में यूज़ करते थे या फिर जो अभी भी यूज़ करते हैं, जो ये चिटचिट वाले पेन होते हैं गाइस, इनको बोलते हैं हम रिट्रैक्टेबल पेन, है ना गाइस. तो ये सब हमारे पास रिट्रैक्टेबल पेन हैं यहाँ पे. देन गाइस, हमारे पास यहाँ पे आपने बटरफ्लो यूज़ किया होगा, तो बटरफ्लो जैसे दिखने वाले मुझे पेन मिले तो वो मैं यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है. देन गाइस, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हमारे पास वो पेन हैं जो बेसिकली ओवरऑल विनर्स हैं हमारे. बेसिकली इन्होंने हर कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है ना, तो ओवरऑल विनर्स की तरह आप इनको देख सकते हैं. इनमें भी हम देखेंगे और क्या है. यहाँ पे आप जो देख रहे हैं गाइस, यहाँ हमारे पास थोड़े से फॉर्मल पेन हैं. फॉर्मल इन द सेंस मतलब ये गाइस कुछ ऐसे पेन हैं हमारे पास जिनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और जो देखने में थोड़े से अच्छे लगते हैं, रिफिलेबिलिटी भी इनकी अच्छी है, तो उनको हम कंपेयर करेंगे. एट लास्ट यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑनरेबल मैंशन है, कुछ ऐसे पेन हैं जो हमको अच्छे लगे, तो इनमें भी हम देखेंगे कि कौन सा बेस्ट पेन है गाइस, ठीक है. तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो एंड देखते हैं एक एक करके कि कौन से कैटेगरी में कौन सा पेन बेस्ट है. आप चाहें तो नीचे टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, आपका फेवरेट पेन का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वहां चेक कीजिए एंड वहां पे क्लिक करके आप अपना बेस्ट पेन का रिव्यू देख सकते हैं गाइस, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो. फर्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास आ गई है गाइस यहाँ पे, वो है गाइस हमारे पास बोल्ड पेन की कैटेगरी. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास जो पेन आ रहे हैं ये है हमारे पास थोड़े से बोल्ड पेन. तो ये थोड़े से मोटे पेन से कौन कौन से पेन है हमारे पास, हमारे पास है गाइस रेनॉल्ड्स का लिक्वी स्मूथ. देन गाइस हमारे पास है रोरिटो का फेंटा फ्लो, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ रहा है गाइस टॉर्नेडो फ्रॉम हॉजर, ठीक है. एंड देन लास्ट में दो पेन आ रहे हैं गाइस, बड़े फेमस पेन, क्लासमेट का ऑक्टेन फ्लो एंड गाइस रेनॉल्ड्स का लिक्विड फ्लो, ठीक है. तो ये सभी पॉइंट जो पेन्स हैं गाइस, इनका पॉइंट साइज लगभग 0.7 mm से 1 mm तक है. एंड गाइस, हमारा जो विनर हमको लगा इस कैटेगरी में गाइस, वो है रेनॉल्ड्स का लिक्विड फ्लो. तो गाइस, ये वाला जो आप पेन देख रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली गाइस सबसे ज़्यादा स्मूथ पेन मुझे लगा इस पूरी कैटेगरीज में, है ना गाइस. मैं आपको इससे थोड़ा सा लिख के बताता हूँ तो आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. तो यहाँ पे हमारे पास हमारी नोटबुक आ गई है एंड गाइस, इसको हम यहाँ रखते हैं गाइस, इस पर कुछ लिखने की कोशिश करते हैं गाइस. तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे ये है गाइस रेनॉल्ड्स, है ना, रेनॉल्ड्स का लिक्विड फ्लो. आप यहाँ देख सकते हैं लिक्विड फ्लो. तो आप देख सकते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ पेन है ना, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ पेन, एकदम मक्खन जैसा चलता है, ठीक है. और मैं आपको साथ ही साथ इसमें आपको स्मच टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ कि ये फैलता तो नहीं है. तो यहाँ पे लिखते हैं स्मच, है ना. एंड गाइस देखिए, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये जो पेन है ये बिल्कुल भी नहीं फैला है यहाँ पे, है ना. मैंने रेडिंगली लिख के इसके ऊपर अपना स्क्रैच किया फिंगर को, इवन देन ये नहीं फैला है ना, एंड ये स्मूथ तो है ही गाइस. साथ में गाइस, इसका अगर आपको ये पेन नहीं मिलता है तो उसका जो हमारा रनर अप पेन है गाइस, वो हम यहाँ पे आपको बोल सकते हैं, दैट इज फेंटा फ्लो गाइस, है ना. यहाँ पे जो रोलिटो का फेंटा फ्लो आता है ये भी काफ़ी अच्छा पेन है गाइस, लेकिन ये इतना मुझे स्मूथ नहीं लिखा. इससे भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है. इससे भी हम लिख के देखते हैं गाइस, दिस इज रोलिटो का फेंटा फ्लो, दिस इज रोलिटो का फेंटा फ्लो, है ना, फेंटा फ्लो. तो गाइस इसका स्मच टेस्ट कर देते हैं स्मच, ठीक है. तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हल्का सा
स्मज हो जाता है, मतलब बिल्कुल 5% से भी कम स्मज है, लेकिन ये हल्का सा स्मज हो जाता है ना गाइस। तो यहाँ पे जो बेस्ट पेन मुझे लगा गाइस, दैट वाज रेनॉल्ड्स का लिक्विफ्लो, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस अगर हमारा जो रनर अप, अगर आपको ये पेन नहीं मिलता है, देन यू कैन ऑल्सो बाय रोरिटो का फैंटा फ्लो गाइस, है ना, ये भी काफ़ी अच्छा पेन है। अब काफ़ी लोग पूछ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्लासमेट का ऑक्टेन फ्लो क्यों नहीं रिकमेंड किया, तो गाइस पेन अच्छा है लेकिन मुझे ये उतना स्मूथ नहीं लिखा। सभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा पेन है, क्लासमेट ऑक्टेन फ्लो बॉल ऑक्टेन, लेकिन ये ना थोड़ा थोड़ा सा बीच में इसका इंक रुक रुक के आ रही है, हो सकता है हमारे पास फॉल्टी यूनिट हो, बट गाइज यहाँ पे इसका उतना अच्छा मुझे परफॉर्मेंस नहीं लगा, है ना गाइज। तो स्मज टेस्ट देखते हैं, तो ये स्मज भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, आप देख सकते हैं एज कम्पेयर टू रोरिटो, है ना, एंड रेनॉल्ड, है ना गाइज। तो ये हमारे पास तीनों पेन थे। तो गाइज बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, दैट इज रिट्रैक्टेबल पेन्स गाइज, है ना। ओके गाइज, तो यहाँ पे आ चुके हैं मेरे पास कुछ रिट्रैक्टेबल पेन्स, है ना। बेसिकली ये वो पेन्स हैं जिनमें आपको ढक्कन खोने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, है ना, आप आराम से इनको चिक चिक करके बंद कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ढक्कन आपका कभी घूमेगा नहीं इन पेन पे। तो गाइस रिट्रैक्टेबल पेन पे कौन कौन सा हमारे पास पेन है, तो गाइस सबसे पहले हमारे पास आ रहा है लग्जर का माइक्रा, है ना, काफ़ी अच्छा पेन है। देन गाइस हमारे पास है लिंक का सिग्नेटा। अब सिग्नेटा जो है बेसिकली ये वन है ना, 2.0 भी आता है, तो ये 10 रुपये वाला मॉडल है। देन गाइस हमारे पास यहाँ पे है हनी का एक पेन, मॉन्टेक्स हनी, ठीक है। ये रिट्रैक्टेबल तो नहीं है, मतलब ये ऐसा इसमें ऐसा सिस्टम तो स्प्रिंग वाला तो नहीं है, बट ये इसमें ट्विस्ट सिस्टम है, तो इसमें भी ढक्कन नहीं था इसलिए मैंने मेंशन कर लिया इसको यहाँ पे। देन गाइस यहाँ पे हमारे पास है फ्लेयर का क्लिकर्स, ठीक है, एंड हॉजर का साइक्लोन, ठीक है। एंड गाइस एट लास्ट हमारे पास यहाँ पे एक काफ़ी लेजेंडरी पेन है, ठीक है, ये एक ऐसा पेन है गाइस, रेनॉल्ड, बेसिकली रेनॉल्ड्स का 046 RT। अगर आप ये वाला पेन अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे, है ना, इवन जो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनकी एज आई थिंक आज 60 ईयर्स भी होगी, वो भी इस पेन को पहचान जाएंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पे एक पहले पेन आता था हमारे पास जो कि ये था, है ना, रेनॉल्ड्स का 045 कार्बन पेन, ठीक है। तो ये काफ़ी ओल्ड पेन है, 5 रुपये का आता है ना, इसको हम 5 रुपीज़ वाले वीडियो में देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे ये उसी का रिट्रैक्टेबल वर्जन रेनॉल्ड्स ने हमारे लिए बना दिया है, ठीक है, ये रिट्रैक्टेबल नहीं था, ये उसका रिट्रैक्टेबल वर्जन है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस इन सभी पेन्स में से आपको कौन सा लेना चाहिए गाइस। तो हमारी पिक अगर मैं आपको बताऊँ रिट्रैक्टेबल पेन्स में, तो गाइस वो एक एक करके आपको बताता हूँ। मेरे फेवरेट यहाँ पे मुझे लगे हैं गाइस, दैट इज़ लिंक सिग्नेटा, देन गाइस हमारे पास ये रेनॉल्ड्स का 046 RT, एंड गाइस लग्जर का माइक्रा, ये तीन पेन मुझे पसंद आए हैं। अब इन तीनों की पेनों की कुछ खासियत है, मैं आपको एक एक करके तीनों की खासियत बताता हूँ। तो इनको साइड कर देते हैं गाइस, एंड इन तीनों पेन से हम लिख के देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करते हैं। तो अगेन हमारी नोटबुक हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है, और सबसे पहले हम देखते हैं लिंक सिग्नेटा। तो जो लिंक सिग्नेटा है गाइस, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मुझे अच्छी लगी। साथ में अगर आप फॉर्मल वेयर पहनते हैं, मतलब आप फॉर्मल कपड़े वगैरह पहनते हैं, तो ये वाला जो पेन है ना, आपके ऊपर आप ऐसा रखेंगे तो काफ़ी सटल पेन लगता है, काफ़ी सूदिंग पेन लगता है ना, तो काफ़ी अच्छा पेन है। इसका जो क्लिकिंग मैकेनिज्म है वो भी काफ़ी स्मूथ लगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक रबर है, स्क्रिप आपको देता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा पकड़ने में फील करता है। साइज वेट और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, तो लिख के देख लेते हैं इससे कैसा परफॉर्म करता है गाइस। देन हमारे पास यहाँ पे रिट्रैक्टेबल दिस लिंक सिग्नेटा, है ना, ओके, ठीक है, लिंक सिग्नेटा, तो थोड़ा सा लाइट है ऊपर वाले पेन से डेफिनेटली, है ना, बट सही साइज है इसका, और यहाँ पकड़ने में मुझे ग्रिप काफ़ी अच्छा मिला गाइस, है ना। तो ये लिंक सिग्नेटा आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसका स्मज टेस्ट भी कर देता हूँ मैं आपके लिए, ओके। तो ये गाइस हल्का सा यहाँ पे स्मज हुआ है, बट इतनी ज़्यादा दिक्कत हमको देखने को नहीं मिली। साथ में जो इंक डॉट्स रहते हैं वो इसमें इतने ज़्यादा नहीं है गाइस, है ना, इंक डॉट्स की कोई यहाँ पे दिक्कत मुझे, ऐसे जो डॉट लग जाता है ना इनका बॉल पेन से, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला है गाइस, है ना। तो ये था लिंक सिग्नेटा, बढ़ते हैं अगले पेन की ओर, दैट इज़ लग्जर का माइक्रा। तो गाइस यहाँ पे ये वाला जो पेन देख रहे हैं, ये मुझे पर्सनली मेरा फेवरेट है, क्यों है मैं आपको खोल के बताता हूँ। 10 रुपीज़ के अंदर जो आप पेन देखते हैं उनमें ये जो पेन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग सा लुक है, आप यहाँ देख सकते हैं ना, एकदम ब्लू कलर की बॉडी है, रबराइज ग्रिप है यहाँ पे, ठीक है, लग्जर माइक्रा, है ना, Inch2 कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पेन है, काफ़ी प्रीमियम फील करता है, आप है ना, अक्सर यूनिबॉल, अब आप लोग सोचोगे यूनिबॉल के पेन्स वगैरह है कि नहीं गाइस, तो अक्सर वो यूनिबॉल के पेन 20-25-30 रुपये के ऊपर आते हैं, लेकिन यहाँ पे लग्जर का एक ये पेन है रिट्रैक्टेबल, जो थोड़ा सा दिख रहे वाइज थोड़ा सा प्रोफेशनल है, ठीक है। तो लिख के देख लेते हैं इससे, ओके, 0.7 mm का लिप साइज है इसका, ठीक है, लग्जर माइक्रा, है ना, लग्जर माइक्रा 0.7 mm का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा लग्जर के माइक्रा को, ठीक है, स्मज टेस्ट भी कर लेते हैं इसका, ओके। तो स्मज टेस्ट इसका जो है हल्का सा स्मज हुआ है, ज़्यादा ये स्मज नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कैसा चलता है लग्जर माइक्रा 0.7, है ना गाइस।
आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट पेन की ओर, दैट इज रेनॉल्ड्स का 046 RT, है ना गाइस। तो हमारा जो लेजेंडरी पेन है इसको खोल लेते हैं, ठीक है, इसको हम रखते हैं साइड में। तो गाइस सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ। इस पेन की बिल्ड क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी है, देख सकते हैं आप ये, ओके, काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं कितना टाइट है ये, है ना। मेटल यूज़ हुआ है यहाँ पे, है ना। रिट्रैक्टेबल देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिट्रैक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लूज पार्ट्स नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी कुछ ब्रांडिंग है, आप यहाँ पे इसको रीड आउट कर सकते हैं, है ना। तो लिख के देखते हैं गाइस इस तरीके की लिखने में कैसा परफॉर्म करता है। ओके, देन दिस इज रेनॉल्ड्स। ओके, तो काफ़ी फाइन पेन है गाइस, काफ़ी फाइन पेन है ना, रेनॉल्ड्स 046 RT। तो इन तीनों पेनों में ये थोड़ा सा ना मुझे सबसे ज़्यादा इसका थिन स्ट्रोक लगा, लिखने में स्मूथनेस में कोई दिक्कत नहीं, स्मूथ है, तीनों पेन स्मूथ है, है ना। बट यहाँ पे इसका स्ट्रोक थोड़ा सा पतला है। स्मज टेस्ट कर देते हैं गाइस इसका, स्मज। ओके, तो स्मज ये बहुत कम हुआ है गाइस ऊपर वाले दोनों पेनों से, क्योंकि ये पतला है तो स्मज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा सा कम ही हुआ है ना गाइस। तो ओवरऑल मैं अगर मेरा पर्सनल विनर आपको यहाँ पे बताऊँ कि तीनों पेन्स में से मेरा पर्सनल विनर कौन सा है, तो गाइस मुझे अगर आपको एक फॉर्मल वेयर के हिसाब से चाहिए गाइस फॉर्मल पेन, तो आई थिंक सिग्नेटा बेस्ट है, ठीक है। अगर आपको बेसिकली आप एक प्रोफेशनल लुक चाहते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल लुक चाहते हैं, तो उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि लग्जर का माइक्रा बेस्ट है। एंड गाइज अगर आपको इन दोनों के बीच ही कुछ चीज़ चाहिए, और अगर आप एक बड़ा यूनिक सा रिट्रैक्टेबल पेन चाहते हैं, बट यहाँ पे तो मैं रिकमेंड करता आपको 046 RT, बट ये इसका स्ट्रोक थोड़ा सा थिन है, तो एक बार आप यूज़ करके ज़रूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये तीनों पेन अच्छे हैं, अब आपकी चॉइस है ना। आगे बढ़ते हैं गाइज हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि आ रही गाइज हमारे पास बेस्ट ओवरऑल पेन कौन से हमें यहाँ पे लगे। ओके गाइज, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, दैट इज़ बेस्ट ओवरऑल पेन्स। तो गाइज यहाँ पे कुछ ऐसे पेन्स आ गए हैं आप देख सकते हैं, जो कि बेसिकली इनमें सभी क्वालिटीज थोड़ी थोड़ी अच्छी, इनकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, स्मज भी नहीं होते हैं ना। तो एक एक करके हम देखने वाले हैं कि इन सभी पेन्स में से आपके लिए बेस्ट पेन कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास इस कैटेगरी में कौन कौन से पेन्स हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले आ रहा है हमारे पास गोल्डेक्स का क्लासी, ठीक है। तो गोल्डेक्स का क्लासी पेन है, ठीक है, ये टाइप है, ठीक है। देन हमारे पास है गाइज क्लासमेट का ऑक्टेन बॉल, ओके, अगेन अ वेरी फेमस पेन है ना, क्लासमेट ऑक्टेन बॉल। देन वी हैव गाइज मॉन्टेक्स का विनर, है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके नाम में ही विनर है, ठीक है, मॉन्टेक्स का विनर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो पेन्स है गाइज, दोनों सिमिलर पेन्स हैं, बस इनका शेड अलग अलग है। यहाँ पे गाइज हमारे पास है सेलो के दो पेन्स, दैट इज सेलो का मैवरो, ठीक है, एंड गाइज सेलो का एस्प्रो, है ना। तो दोनों सेम ही पेन है, एक वाइट में आता है, एक ब्लैक में आता है, ठीक है, मैंने दोनों ले लिया आपके लिए। देन हमारे पास यहाँ पे गाइज है उनो मैक्स का पेन, है ना, उनो मैक्स का अल्ट्रॉन EX, आप यहाँ देख सकते हैं उनो मैक्स अल्ट्रॉन EX, ठीक है, EX नहीं गाइज, सॉरी 2X, है ना गाइज 2X। देन गाइज हमारे पास आ रहा है बड़ा फेमस अगेन एक और पेन, दैट इज पेंटोनिक बॉल, है ना, पेंटोनिक का बॉल पेन। एंड लास्ट में हमारे पास आ रहा है गाइज मॉन्टेक्स का विक्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे एक मॉन्टेक्स अगेन एक बॉल पेन है। तो सभी पेन 10 rupees के हैं, सबकी कुछ खासियत है, है ना, एंड कहीं ना कहीं सब पेन लैक करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, फिर आपको जो फेवरेट आए आप वो अपना पेन चुन सकते हैं गाइज, ठीक है। तो सबसे फेवरेट पेन मुझे कौन सा लगा गाइज, तो एक एक करके सबका रिव्यू करते हैं। सबसे बात करते हैं सबसे पहले गाइज गोल्डेक्स के क्लासी की, तो गाइज इनको मैं साइड में करता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे जो आप पेन देख रहे हैं गाइज गोल्डेक्स क्लासी, ये जो पेन है काफ़ी अच्छा पेन है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इशू क्या है गाइज कि यहाँ पे जो रिफिल है आप इसको इंक को मॉनिटर नहीं कर सकते कब खत्म होने वाली है। दूसरी इसमें इशू ये है गाइज कि आप इसका जो रिफिल है, मैंने काफ़ी इसके रिफिल ढूंढने की कोशिश करी, बट इसके रिफिल इतने ईजिली अवेलेबल मुझे मिले नहीं गाइज, है ना। तो रिफिलेबिलिटी एक क्वेश्चन है इसका, ठीक है। बाकी इसके प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं गाइज, तो ये जो पेन है वन ऑफ द स्मूदेस्ट पेन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ गाइज इससे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इससे टेस्ट कर लेते हैं इसका। तो गाइज ये है हमारा कौन सा गोल्डेक्स का क्लासी गोल्डेक्स। ओके, तो लिखते से ही फील आता है गाइज काफ़ी ज़्यादा स्मूद है, है ना, क्लासी। और गाइज ये एक ऐसा पेन है कि ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है, और इसमें बेसिकली इंक डॉट की जो दिक्कत होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 4-4 साल तक इस पेन को यूज़ किया है बेसिकली कॉलेज डेज में, है ना। तो यहाँ पे, और वो इस पेन के फैन थे यार, पता नहीं क्यों, बट आज मुझे पता चला कि ये बहुत अच्छा पेन है, ठीक है। बट अगेन एक कहना उन सभी का ये था, मैंने उनसे रिव्यू लिया था कि ये जो पेन है ये रिफिलेबल शायद ही है गाइस। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके रिफिल मिलते हैं कि नहीं। बाकी गाइस अगर वन टाइम यूज़ के लिए अगर आप पेन देख रहे हैं, अगर आप रिफिल में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो गाइस ये बहुत प्यारा पेन है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, सब कुछ इस पेन का बहुत अच्छा है। स्मज कर लेते हैं गाइस टेस्ट,
ठीक है, तो काफ़ी शार्प चलता है ये। ओके, कई तो स्मज भी ये बहुत माइन्यूट सा स्मज हुआ है, ज़्यादा स्मज की भी सच कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं लगी है गाइस, है ना। तो ये था हमारा गोल्डेक्स का क्लासी, ये काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स में भी आता है, यहाँ पे मेरे पास येलो कलर है ना, मल्टी कलर में आता है। बढ़ते हैं अगले पेन की ओर गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास जो और पेन्स है, अगला पेन ले लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पेन हमारे पास आ रहा है गाइस, दैट इज सेलो का मैवरो, ठीक है। तो यहाँ पे मैवरो एंड ये जो एस्प्रो, ये दोनों पेन्स हैं, ये दोनों सेम ही अगर आप पेन कभी लेने जाते हैं तो एक ही बॉक्स में दोनों आते हैं, कलर बस इनका अलग अलग है। तो वाइट या ब्लैक शेड आपको जो चाहिए आप ले सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी कूल सा एक बॉल बना हुआ है, आई थिंक इसको कौन सा बॉल बोलते हैं, ड्रैगन बॉल होता है, आई डोंट नो, ठीक है, आप मुझे बताएं कौन सा बॉल है ये, ठीक है। तो इसमें इसकी खासियत क्या है, इसकी बिल्ड क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा हल्का फील होता है, लेकिन गाइस ये जितने भी हमारे पास यहाँ पे पेंस मौजूद थे, सबसे ज़्यादा अगर स्मूथ है, अगर नंबर वन पे मुझे स्मूथनेस पे किसी को रखना हो तो गाइज़ वो यही पेन है, सेलो का एस्प्रो, है ना। तो गाइज़ इसे लिख के देखते हैं, दैट इज़ सेलो एस्प्रो। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर मुझे होमवर्क करना होगा ना कि जल्दी जल्दी एक पेन उठा के जल्दी जल्दी करना है, तो मैं ये पेन चूज़ करूँगा। खैर मैं तो होमवर्क नहीं करता हूँ, अब मैं टीचर हूँ मैं होमवर्क देता हूँ। ओके गाइज़, तो आगे बढ़ते हैं, ये सेलो का एस्प्रो है ना। तो गाइज़ काफ़ी स्मूथ है, स्मज टेस्ट कर देते हैं इसका, ठीक है। तो इससे ऑटोमेटिक पता नहीं हाथ तेज चल रहे हैं मेरे मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। तो काफ़ी स्मूथ पेन है, तो अगर आपको सिंपल एक ऐसा पेन चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, तो बिना सोचे आप इस पेन को ले सकते हैं। लेकिन अभी हमारे आगे के पेन्स और देख लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेलो का एस्प्रो, या फिर आपको अगर ब्लैक कलर में चाहिए तो काम गया भाई मैवरो, ठीक है। तो ब्लैक कलर में आप ये सेलो का मैवरो भी ले सकते हो, दोनों एग्जैक्टली सेम पेन है। रिफिलेबिलिटी की क्वेश्चन है, रिफिल डलती है क्या, तो डेफिनेटली ये पीछे से आराम से ओपन हो जाते हैं, तो आप इनमें रिफिल भी इजीली डाल सकते हैं, तो रिफिलेबिलिटी का भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रिफिल्स आप इसमें आराम से डाल सकते हैं गाइस, ठीक है। बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट पेन की ओर गाइस। अब यहाँ पे जो पेन आ रहे हैं वो सबके लगभग लगभग फेवरेट पेन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पेंटोनिक की। तो गाइस पेंटोनिक की खास बात है, पेंटोनिक का तो मोटो ही है ड्रिवन बाय डिज़ाइन, ठीक है। तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा पेन का है ना, यूनिबॉडी सा डिज़ाइन आता है, कोई लूज पार्ट्स नहीं, कोई भी ऐसा हिलने वलने वाला पार्ट नहीं होता, एकदम सॉलिड पेन है, ठीक है। खैर सॉलिड तो हर पेन होता है, लेकिन ये इसमें कोई लूज पार्ट्स नहीं है ना गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये पेंटोनिक का पेन है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है ये, एकदम पकड़ने में स्ट्रॉन्ग सा फील आता है। तो गाइस इसे लिख के देख लेते हैं, इसे लिख के देख लेते हैं। तो दिस वॉज पेंटोनिक है ना, पेंटोनिक, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा शार्प है पेंटोनिक, ठीक है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। पेंटोनिक का कौन सा है, बॉल है ना, बॉल पेन, बॉल, ठीक है। स्मज टेस्ट कर लेते हैं इसका गाइस, स्मज, ठीक है। तो स्मज भी काफ़ी कम हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज पेंटोनिक का बॉल एंड स्मज भी काफ़ी कम हुआ है, तो स्मूथ तो एस्प्रो ज़्यादा है। ये भी ऐसी बात नहीं है गाइस, ये कम स्मूथ है, इसकी बहुत ही कंसिस्टेंट राइटिंग है, स्मूथ ये भी बिल्कुल बराबर है, बट मुझे पता नहीं क्यों एस्प्रो थोड़ा ज़्यादा स्मूथ लगा, बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे पेंटोनिक ज़्यादा बेटर लगा, है ना। लेकिन इस पेंटोनिक में एक दिक्कत है, इसकी रिफिल भी आती है, क्या रिफिलेबल होता है, हाँ गाइस इसकी रिफिल अवेलेबल है, 5 rupees की एक रिफिल आपको मार्केट में मिल जाती है, लेकिन गाइस उसको निकालने के लिए आपको उसको थोड़ा सा निकालना, क्योंकि अब बॉडी थोड़ी सी फिक्स्ड है, तो उसको निकालना आप इतने ईजिली हाथ से नहीं निकाल सकते, आपको यहाँ तो उसको ऐसा किसी चीज़ से पकड़ के इसको बाहर खींचना पड़ेगा गाइस, है ना। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी, बाकी पेन अच्छा है गाइस। देन गाइस अब यहाँ पे हमारा फाइनल जो पेन आ रहे हैं जो मुझे सबसे अच्छे लगे इनमें भी, वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे हमारे पास 3 पेन है गाइस, तो मुझे ओवरऑल जो बेस्ट पेन लगा, मुझे ओवरऑल जो बेस्ट पेन लगा इन सभी पेन में गाइस, दैट इज़ क्लासमेट का ऑक्टेन बॉल। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासमेट का ऑक्टेन बॉल। तो गाइस ये पेन सबसे अच्छा क्यों है, इसका एक रीज़न है, सबसे पहली बात तो उसकी बिल्ड क्वालिटी गाइस, 10 rupees के अंदर जो क्लासमेट आपको बिल्ड क्वालिटी देता है, देखिए आप सुनिए, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो एकदम सॉलिड क्लिक है ना, तो काफ़ी सॉलिड क्लिकिंग नॉइस करता है, ठीक है। और इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो आपको एक रबराइज ग्रिप मिलती है ये पकड़ने में बहुत अच्छी है, यहाँ पे जो ब्लू पोर्शन दिखता है वो भी एकदम देखने में काफ़ी प्रीमियम दिखता है, अंदर से ऐसा नहीं लगता चीप है, ठीक है। एंड गाइस इसको खोल के भी अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो इसकी जो रिफिल है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मुझे लगी, ठीक है, काफ़ी थिक रिफिल है ना, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगी। एंड गाइस हम बात करें अगर ये लिखता कैसा है, ये लिखता कैसा है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा क्लासमेट का ऑक्टेन, तो गाइज लिखने में भी काफ़ी स्मूथ है ना, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, परफेक्ट जिसको मैं बोल सकता हूँ वो उसका स्ट्रोक है ना, क्लासमेट का ऑक्टेन है ना। तो स्मूथनेस में अगर मैं बात करूँ उसका, स्मज टेस्ट भी कर देता हूँ पहले मैं, स्मज, तो भाई स्मज भी ये बस हल्का सा ही हुआ है गाइस, है ना। तो मुझे पर्टिकुलरली लिखने में एस्प्रो अभी भी ज़्यादा स्मूथ लगा, लेकिन ये ना आप 19-20 का भी अंतर नहीं भूल सकते, बहुत कम डिफरेंस है। तो अगर आपको एक ओवरऑल बेस्ट पेन चाहिए जिसमें आप रिफिल भी कई बार, मतलब आप कम से कम
तीन से चार बार इसमें रिफिल डाल के यूज़ करोगे तब भी पेन की बिल्ड क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये टिका रहेगा गाइस, है ना। तो बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, स्मज भी ज़्यादा नहीं होता है, लिखता भी सही है। तो ओवरऑल इसलिए मुझे हर कैटेगरी से अगर देखूँ तो मुझे जो विनर लगता है वो लगता है गाइस क्लासमेट का ऑक्टेन बॉल। अगर मुझे इसमें इस कैटेगरी में गाइस किसी को रनर अप बनाना हो तो मैं किसको बनाऊंगा, तो गाइस वो डेफिनेटली यहाँ पे एक यूनिक पेन है जिसके नाम में ही विनर है, दैट इज़ गाइस मॉन्टेक्स का विनर जेल। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अलग सा पेन है, काफ़ी थिक सा पेन है, लेकिन यही इसकी खासियत है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं देखिए, तो यहाँ पे आपको डिम्पल्स दिखेंगे, दिख रहे हैं आपको यहाँ पे नॉचेस, ठीक है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहे हैं है ना, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये देखिए, ठीक है। ये जो आपको नॉचेस दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगुलर की ग्रिप है। और मैं सच बता रहा हूँ, सारे पेंट में अगर सबसे अच्छा ग्रिपी पेन आपको चाहिए ना, तो गाइज देन दिस इज़ द विनर, मॉन्टेक्स का विनर ही नाम है इसका। तो ग्रिप इसकी काफ़ी बढ़िया, इवन तो यहाँ पे रबराइज नहीं है, ये प्लास्टिक है, बट इसको पकड़ने में मज़ा ही आ जाता है। मतलब अलग ही पेन है, मोटा है थोड़ा सा, बट वो पकड़ने में बहुत अच्छा फील करता है। एंड गाइज लिखने में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप जरा एक चीज़ देखिए, इसकी जो यहाँ पे पॉइंट है गाइज, यहाँ पे इसका जो पॉइंट आप देख सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तो लिखने में एकदम शार्प फील होता है ना। एक तो यहाँ से थोड़ा सा थिक देन थिन हो जाता है, तो लिखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मैं लिख के आपको दिखाता हूँ उससे गाइज। तो ये है हमारे पास मॉन्टेक्स, है ना, मॉन्टेक्स का, ठीक है। तो अगेन लिखने में मुझे आफ्टर एस्प्रो ये पेन सबसे ज़्यादा स्मूथ लगा, आफ्टर एस्प्रो स्मूथनेस में ये पेन सबसे ज़्यादा अच्छा है ना, मॉन्टेक्स का विनर, ठीक है। तो गाइज मतलब इसका स्ट्रोक बिल्कुल परफेक्ट है, एस्प्रो का ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा कभी कभी छूट जाता है, बट इसका स्ट्रोक मुझे काफ़ी परफेक्ट लगा। स्मज टेस्ट भी कर लेते हैं गाइज, स्मज, ठीक है। तो स्मज भी बिल्कुल इसका सही है, ज़्यादा स्मज भी ये नहीं होता है, मतलब लगभग बहुत कम समझ, आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं ना गाइस। तो ये पेन किसको लेना चाहिए गाइस, ये पेन बेसिकली रनर अप है, ठीक है। अगर आपको ऑक्टेन नहीं पसंद है ड्यू टू एनी रीजन, अगर आप ऑक्टेन नहीं लेना चाहते और आपको थोड़ा सा अलग चीज़ ट्राई करनी है, देन गाइस डेफिनेटली यू शुड ट्राई मॉन्टेक्स का विनर जेल, ठीक है। एंड गाइस अगर आप मॉन्टेक्स का ही एक और पेन देखना चाहते हैं, बट जिसमें अगर आपको ये ग्रिप पसंद नहीं आई, आप रबराइज ग्रिप चाहते हैं, तो हमारे पास इसी कैटेगरी में एक और पेन है, दैट इज गाइस मॉन्टेक्स का विक्ट्री। मॉन्टेक्स ने अपने हर पेन में कुछ ना कुछ विनर के सिनोनिम लगा रखे हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास है विक्ट्री। तो इसमें क्या खास बात है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, है ना, ये डोरेमोन के जियान जैसा दिखता है, ठीक है। ऑरेंज कलर का पेन है यहाँ पे गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। क्या क्लासमेट से बेटर है, तो नहीं गाइस, क्लासमेट की ही ज़्यादा बेटर है रबराइज फिनिश, है ना। तो इन दोनों में क्लासमेट की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेटर मुझे लगी, है ना। तो अगर यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, ये रबराइज हल्का सा प्लास्टिक सा फील आता है यहाँ पे। लिखने में अगर मैं आपको बताऊँ तो लिख के बताता हूँ गाइस, तो दिस इज़ अगेन पॉइंट भी शार्प है इसका, मॉन्टेक्स का विक्ट्रीज बॉल, है ना। तो लिखने में लगभग सिमिलर ही परफॉर्मेंस है, विक्ट्री, ठीक है। स्मज टेस्ट कर देते हैं इसका, है ना। तो स्मज भी गाइज ये नहीं होता। तो गाइज अगर आप मुझसे पूछे कि बेस्ट बॉल पेन कौन सा मुझे लगा हमारी इस कैटेगरी में, बेसिकली ओवरऑल बेस्ट पेन की कैटेगरीज में, तो गाइज यहाँ पे मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड कर सकता हूँ क्लासमेट का ऑक्टेन बॉल। गाइज काफ़ी प्रीमियम पेन है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा बार आप इसका जो रिफिल आता है वो 4.5 रुपीस का आता है ना, और काफ़ी ज़्यादा बार आप रिफिल कर सकते हैं, ग्रिप भी बहुत बढ़िया है। और अगर आपको कुछ यूनिक ट्राई करना है गाइस, देन आप जा सकते हैं मॉन्टेक्स के विनर के साथ, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो ट्रायंगुलर ग्रिप है ये मुझे पसंद आया, यहाँ पे पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये दो पेन हो गए गाइस। देन जो थर्ड पेन है, अब यहाँ पे काफ़ी सारे मैं जानता हूँ पेंटोनिक के भी फ़ैन होंगे एंड गोल्डेक्स क्लासी के भी फ़ैन होंगे, है ना गाइस। तो ये जो तीन पेन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, पेंटोनिक, गोल्डेक्स क्लासी एंड एस्प्रो, इन तीनों की कुछ कुछ खासियत है गाइस, ठीक है। अगर आपको वन टाइम पेन चाहिए, अगर आपको कुछ कलरफुल पेन चाहिए, देन आप जा सकते हैं गाइस गोल्डेक्स क्लासी के साथ। अगर आपको एक बहुत ही मैच्योर्ड लुकिंग पेन चाहिए और बहुत ही यूनिबॉडी डिज़ाइन पसंद है, देन गाइस आप पेंटोनिक के साथ जा सकते हैं। एंड अगर आपको सिंपल, आपका जो मेन गोल है दैट इज़ स्मूथनेस, आप स्मूथनेस के अलावा कुछ नहीं चाहते, आपको बस जल्दी सॉल्व करना है एंड आपको बिल्ड क्वालिटी वगैरह बाकी फैक्टर्स का फर्क नहीं, देन गाइस सेलो का एस्प्रो या फिर सेलो का मैवरो इज़ द विनर गाइस, है ना। यहाँ पे ये सब पेन थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, ठीक है गाइस। अब गाइस हमारे पास जो अगली कैटेगरी आ रही है उसमें मेरे पास कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं एंड कुछ अलग पेन्स हैं, तो गाइस उनमें भी देख लेते हैं कि कौन कौन से पेन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो गाइस अब आप यहाँ पे कुछ पेन देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ पेन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पेन्स इनमें भी हैं, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि किस पेन की क्या खासियत है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हम चार पेन देखते हैं, तो ये चार पेन मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगे गाइस। अब इन चार पेन्स की खासियत क्या है ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो आपने सेलो का जो बटरफ्लो जब मैं यूज़ करता था, तो मेनली मैंने यहाँ पे ये वाला पेन यूज़ कर रखा है, सेलो का बटरफ्लो, ठीक है। काफ़ी लोगों का ये फेवरेट पेन होता है गाइस, ठीक है। तो इसी के जैसे बेसिकली हमारे पास चार तीन ब्रांड्स और हैं, लग्जर का यूनिफ्लो,
ठीक है, रोरिटो का फेंटा ग्लाइड एंड गाइज अल्कोस का क्विक फ्लो, ये चारों ही जो पेन्स है ना गाइज, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये दिखने में भी सिमिलर है, इनकी बॉडी भी सेम है। आप देख सकते हैं कि इन सभी पेन्स में आप यहाँ पे इंक मॉनिटर कर सकते हैं, इसमें भी, ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं, है ना, इसमें भी कर सकते हैं एंड इसमें भी कर सकते हैं। सबका रिफिल साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिल्ड क्वालिटी भी ऑलमोस्ट 90% बिल्ड क्वालिटी भी गाइज सबकी सेम ही लगी मुझे, ठीक है। तो गाइज अब आपको अगर बटरफ्लो पसंद है तो ये चारों पेन्स मैं इसलिए लाया हूँ कि अगर आपको बटरफ्लो पसंद है तो आप इन तीन पेन्स को भी देख सकते हैं, ठीक है, रोरिटो का फेंटा ग्लाइड, एल्कोस का क्विक फ्लो एंड लग्जर का यूनिफ्लो, है ना, सिमिलर पेन्स है तो हो सकता है आपको इनमें से कुछ सा पसंद आ जाए, ठीक है गाइज। तो बटरफ्लो के बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं, बटरफ्लो से मैं एक बार आपको लिख के और बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी फैंस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास वापस हमारा रिकॉर्ड आ गया है यहाँ पे, तो हम यहाँ रखते हैं, इनको थोड़ा सा साइड करते हैं, ठीक है, ओके। बटरफ्लो को देख लेते हैं गाइस कैसा है। तो ये है हमारा सेलो का, ओके, बटरफ्लो, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये जो पेन है, सच बात है, क्या ये सच में बटरफ्लो है? तो गाइस हाँ, स्मूथ तो पेन है, ये बात तो मैं मानता हूँ, है ना, एंड 0.5 इसका एम एम निप साइज है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चलता है, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है। साथ ही साथ गाइस हमको यहाँ पे रबराइज ग्रिप मिलती है जो पकड़ने में काफ़ी अच्छा फील देती है, ठीक है। तो ये सेलो की तरफ से आता है, इसका स्मच टेस्ट कर देते हैं गाइस, स्मच, ठीक है। तो गाइस इसका स्मच हल्का सा ज़्यादा मुझे लगा, है ना, हल्का सा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं, बिल्कुल, मतलब 5-6% ही ज़्यादा होगा बाकी के कंपैरिजन में, है ना गाइस। तो काफ़ी बढ़िया पेन है, इसकी जो रिफिलेबिलिटी है ये तो आप सब जानते ही होंगे, यहाँ पे आप आराम से, यहाँ पे ये रिफ़िल है, इसको रिफ़िल भी आप कर सकते हैं गाइस, है ना। और बाकी जो पेन्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लिखने में जो कोई डिफरेंस है नहीं गाइस, लिखते ये सिमिलर ही है, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, ठीक है। तो ये तीन यहाँ पे पेन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी के जो तीन पेन्स है गाइस, वो डिफरेंस उनमें ये आता है कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपका जो कैप है, पेन कैप है, ये प्लास्टिक का है सेलो में, एंड गाइस इन तीनों के केस में ये जो हैं ये मेटल के बने हुए हैं गाइस, है ना। तो देखने में लगभग सिमिलर है, बट यहाँ पे जो रोरिटो का है ये ऊपर वाला सेक्शन मुझे उसका थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आया गाइस, है ना। बाकी लिखने में सबका परफॉर्मेंस सेम ही रहेगा। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन बताएं कि आपका इनमें से कौन सा फेवरेट पेन है गाइस, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे पास और कौन कौन से पेन है गाइस। अब यहाँ पे आप जो अगला पेन देख रहे हैं, अगले यहाँ पे जो कैटेगरी आई थी हमारे पास वो थी ये, मैंने आपको बोला था कुछ अलग टाइप के पेन है, ऑफिशियल पेन या फिर बेसिकली फॉर्मल पेन यहाँ पे। अब इन फॉर्मल पेन में कौन कौन से पेन है हमारे पास गाइस, ये है गाइस मोंटेक्स का मेगा टॉप, देन हमारे पास है गाइस सेलो का मैक्स राइटर, देन गाइस हमारे पास है सेलो का पिन पॉइंट 0.6 mm, देन वी हैव नटराज का फ्लूइड एक्स, देन यहाँ पे पेंटेल का हमारे पास पेन है गाइस आई फेल इट, ठीक है, देन हमारे पास है गाइस सेलो का टेक्नो टिप, ठीक है, देन इसके बाद है हमारे पास मोंटेक्स का इंप्रेशन, ठीक है, इंप्रेशन बॉल पेन, देन लास्ट में हमारे पास है गाइस मोंटेक्स का ही मॉरिस, ठीक है। तो गाइस ये हमारे पास कुछ पेन आ गए हैं। अब इनमें से कौन सा पेन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप इनमें से कोई सा पेन लेना चाहते हैं तो गाइस, तो देखिए गाइस ये जो सारे पेन्स हैं इन सबकी कुछ खास खास बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है। अगर आपको एक ऐसा पेन चाहिए जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा जिसका थिन स्ट्रोक हो एंड मस्त चले एकदम, ठीक है, तो गाइस इन सभी पेन्स में से मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ ये वाला पेन, दैट इज़ सेलो का पिन पॉइंट। तो जैसा इसका नाम है पिन पॉइंट, तो ये पिन पॉइंट ही है। जैसे अगर आप एक नीडल से, अगर आप एक वॉश या फिर आप अगर आप एक शार्प्ड पेंसिल, अगर आप पेंसिल को शार्प करें उससे लिखें तो कैसा फील आता है, सेम फील आपको इस पिन पॉइंट से लिखने में आएगा गाइस, ठीक है। इसमें मुझे एक थोड़ी सी दिक्कत ये लगी कि इसकी जो बॉडी है, जब अपन ऐसे लिख रहे होते हैं तो कई बार ना ये ऐसे देख के विजन के बीच में आ जाती है, तो लिखने में दिक्कत नहीं है, बट हो सकता है ये मुझे ही लगा हो बस, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। रबराइज यहाँ पे ग्रिप आती है, ठीक है, मैं इससे आपको लिख के और बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास वापस आ गया है हमारा नोटबुक, तो ये है हमारे पास कौन सा पेन है, सेलो का ही सेलो। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने बोला ना पिन पॉइंट एकदम, है ना, सेलो पिन पॉइंट है, ठीक है, पिन पॉइंट काफ़ी ज़्यादा शार्प एकदम, ठीक है। तो अगर आपको कोई शार्प पेन चाहिए तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा थिन स्ट्रोक है। तो अभी तक जितने भी पेन टेस्ट किए ना, सबसे ज़्यादा थिन स्ट्रोक इसी का है, ठीक है। सो ऑल द थिन स्ट्रोक फैंस, ये आपके लिए पेन है। और देखते हैं गाइस इसमें और मेरा कौन सा अच्छा मुझे लगा। तो यहाँ पे जो ऑनरेबल मेंशन है वो गाइस, एक तो यहाँ पे मोंटेक्स का मेगा टॉप भी है, यहाँ पे जो मोंटेक्स का मेगा टॉप है काफ़ी अच्छा, इसका मुझे ग्रिप सबसे ज़्यादा पसंद आया, एकदम टेक्सचर्ड ग्रिप है, ठीक है, पकड़ने में काफ़ी अच्छा लगता है, है ना, बढ़िया पेन है, ओवरऑल रिफिलेबिलिटी भी अच्छी है, बट कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि इसको मैं एज ऑफ नाउ तो रिकमेंड नहीं कर सकता, है ना। उसके बाद गाइज यहाँ पे ये जो सेलो का मैक्स राइटर है, ठीक है, सेलो का मैक्स राइटर, ये भी काफ़ी ज़्यादा, मैं अगर एक शब्द में बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट पेन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, देखने में भी देखो आप कितना ज़्यादा एलिगेंट लगता है, ठीक है। तो अगर आपको एक एलिगेंट पेन चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट सा देखे, बढ़िया देखे, यहाँ पे एक रबराइज ग्रिप है, देन गाइज ये आप पेन ले सकते हैं, इससे भी लिख के देख लेते हैं हम लोग,
ठीक है। तो ये है हमारे पास सेलो का, है ना। ये वाला जो इसका सेक्शन है ना, ये मुझे थोड़ा सा दबा हुआ लगता है। अगर ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था ना तो थोड़ा बेटर होता, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दब गया है ना मैक्स राइटर, ठीक है। तो इसका स्मज टेस्ट कर लेते हैं, तो आपको कलर का अंतर लग जाएगा, कलर कैसा क्या है। स्मज भी ये लगभग बिल्कुल नहीं होता, तो आप ये देख सकते हैं गाइस, है ना। और गाइस क्या इसमें और कोई पेन ऐसा है जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ? हाँ गाइस, यहाँ पे एक पेन और हमारे पास आता है जो कि है इम्प्रेशन फ्रॉम मॉन्टेक्स। काफ़ी बढ़िया पेन है और लिखने में तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन इसमें एक चीज़ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है। पकड़ने पर ना चट चट सी, देखिए मैं आपको यहाँ पर सुनाता हूँ अगर आती है तो ये देखिए हल्की सी, है ना, हल्की सी बेसिकली बार बार लूज हो जाता है, हल्का सा क्रैकिंग साउंड करता है, है ना। हो सकता है मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ इसलिए, बाकी ये पेन काफ़ी स्मूथ है। देखिए मैं लिख के तो बता ही देता हूँ आपको, तो दिस इज़ मॉन्टेक्स का। हाँ देखिए अभी मैं लिख रहा हूँ तो क्रैकिंग साउंड आ रहा है ना। दिस इज़ मॉन्टेक्स का कौन सा पेन है, इम्प्रेशन। तो काफ़ी बढ़िया स्मूथ, चलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी मुझे थोड़ी क्वेश्चनेबल लगी, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ गाइस, है ना। तो ये गाइस हमारे पास थे कुछ पेन्स, और इसमें बेसिकली एक नटराज का भी पेन आ रहा है, नटराज का फ्लूइड एक्स एंड गाइस पेंडल का आई फील इट। तो अगर गाइस आपको एक लंबा पेन चाहिए, थोड़ा सा लॉन्ग, देन गाइस आप आई फील इट के लिए जा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी लेंथ है, पकड़ने में भी ग्रिप भी बहुत बढ़िया, स्मूथ चलता है, ठीक है। एंड गाइस दूसरा जो अल्टरनेट है वो है एक फ्लूइड एक्स, है तो दोनों सिमिलर पेन्स हैं यहाँ पे। इसका भी आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ, ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे रबराइज ग्रिप आता है, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे कुछ एक और कैटेगरी के पेंस। बढ़ते हैं गाइस हमारी लास्ट कैटेगरी की और लास्ट एंड द फाइनल कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ मैं दिखा देता हूँ, कुछ यहाँ पे पैक्ड बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये कौन कौन से पेंस हैं गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड के पेंटेल है ना, गोल्ड एक्स है, सेलो है। तो इनमें से जो मुझे बेस्ट लगा मैं आपको वो बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि यार ऑक्टेन का ग्लाइड बॉल कहाँ है सर, तो ऑक्टेन का ग्लाइड बॉल यहाँ है। बट गाइस मुझे पर्सनली ये ऑक्टेन के होते हुए, मतलब यार ये जो हमारे पास ऑक्टेन है ना, ये इतना अच्छा पेन है, ये 10 रुपीज़ का है। तो गाइस ये पेन के 10 रुपीज़ का होने का मुझे समझ में नहीं आया क्या है, मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे इसके भी फैंस होंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ऑक्टेन का ग्लाइड बॉल, ठीक है। अंदर खोलते हैं तो यहाँ पे रबराइज ग्रिप मिलता है हमको, रिफिल भी आपको उसको दिखा देता हूँ। तो ये भी बढ़िया पेन है गाइस, पर ऑक्टेन जितना अच्छा पेन नहीं है गाइस, है ना। मतलब ऑक्टेन लगभग इससे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स मुझे ज़्यादा बेटर लगा ये वाला, बिल्ड क्वालिटी में भी, इसी ग्रिप में भी। तो आई थिंक ये एक ऑप्शन फिर बचा ही नहीं, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, है ना। देन गाइस यहाँ पे अलग अलग पेन्स हैं, दैट इज़ यहाँ पे हमारे पास है एल्कोस का प्रोमो, देन हमारे पास फ्लेयर का यहाँ पे स्ट्रीमर है, ठीक है, एल्कोस का जीनियस, गोल्ड एक्स का यहाँ पे सॉलिटेरियो है ना, सॉलिटेरियो सही है, सॉलिटेरियो प्रो है, देन सेलो का डोकू फ्लो, पेंटेल का यहाँ पे आईजी, देन यहाँ पे गाइस गोल्ड एक्स का i10 है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो गोल्ड एक्स का i10 और सॉलिटेरियो प्रो है, ये दोनों पेन सेम ही है गाइस, है ना। इन दोनों पेन में बस एक डिफरेंस आपको मैं बता देता हूँ, कलर स्कीम का डिफरेंस होता है। तो अगर आप कन्फ्यूज हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला पेन ऐसा दिखता है। एंड गाइस ये जो i10 है मेरे पास, इसको भी ओपन कर लेते हैं, ओके ऊपर से ओपन करते हैं, ये वाला जो पेन है गाइस दोनों लगभग सिमिलर पेन से, इनके पास टॉप अलग है, बाकी नीचे से रिफिल सेम है, लिखने में सेम है, टेक्सचर सेम है, ग्रिप सेम है, सब कुछ ही सेम है इनका, ठीक है। तो काफ़ी स्मूथ ये चलते हैं, इनसे भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे इनको हटाते हैं हमारी नोटबुक को, ओके नोट पेज भर गया, तो आगे पेज टर्न कर लेते हैं गाइस यहाँ पे, है ना। देखते हैं ये कैसे चलते हैं दोनों पेन। तो ये है हमारे पास कौन से, गोल्ड एक्स के पेन, तो ये है गोल्ड एक्स, है ना, गोल्ड एक्स का कौन सा है गाइस, i10 है, i10 है ना, ओके कार के नाम पे रख दिया इन्होंने, ओके गाइस। तो स्मज टेस्ट कर देते हैं, स्मज, ठीक है, स्मज भी बिल्कुल अच्छा नहीं, स्मज हो जाता है गाइस, मुझे लगा नहीं हुआ, स्मज ही हल्का सा हो रहा है गाइस, ठीक है। तो आप ये पेन भी ले सकते हैं, ठीक है, बट मैं इनको रिकमेंड नहीं करता, मुझे ज़्यादा पसंद ये पेन नहीं है, कॉम्पिटिशन इतना है गाइस, पेन तो अच्छे हैं बट क्या करें, ठीक है। एंड गाइस मैं कौन सा इनमें रिकमेंड कर सकता हूँ उन पे जा रहा डायरेक्ट हम चर्चा कर ले तो बेटर है। तो गाइस यहाँ पे जो मेरा फेवरेट इनमें से लगा मुझे वो था गाइस सेलो का डोकू फ्लो। तो अगर आपको गाइस काफ़ी एक अगर बंद पेन चाहिए, ठीक है, जो सॉलिड सा ऐसा दिखे, मैं इसको अनबॉक्स कर देता हूँ, ये देख सकते हैं गाइस आप, तो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी पेन है, ब्लू कलर का लुक है इसका एंड काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ है। तो मेरा फेवरेट इन सभी पेन्स में से सेलो का डोकू फ्लू है ना।
डोकू फ्लो। देन गाइस इसका जो रनर अप इस कैटेगरी में वो है गाइस ये फ्लेयर का स्ट्रीमर। इसके साथ खास बात ये कि आपको एक रिफिल फ्री मिल जाता है, ठीक है। एंड गाइस पेन को भी मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। उस पर 15 रुपीज़ लिखा है, लेकिन लिखा हुआ है अभी 10 रुपये में मिल रहा है, तो मैंने ले लिया था ये, है ना। इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये पेन दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा सा मॉडर्न लुक है इसका, तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा मुझे पेन अच्छा लगा, है ना गाइस। इन दोनों पेन से मैं आपको लिख के बता देता हूँ, इसको साइड करते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे पहले हमारे पास आ रहा है सेलो का, है ना, सेलो का ही है ना, डोकू फ्लो किसका था भाई, हाँ सेलो का डोकू फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इससे, तो दिस इज सेलो। ओके गाइस, लिखते ही ना एकदम मक्खन जैसा चल रहा है, इसको मैं बटरफ्लो बोल सकता हूँ, है ना, डोकू फ्लो, है ना। तो काफ़ी स्मूथ पेन है गाइस यहाँ पे, ठीक है, और रिफिलेबल भी है। स्मज टेस्ट कर लेते हैं इसका, ठीक है, स्मज टेस्ट। तो स्मज भी बिल्कुल नहीं होता है गाइस। तो ओवरऑल मुझे ये वाला पेन भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया गाइस, है ना। देख लेते हैं लास्ट पेन हमारा, दैट इज स्ट्रीमर, है ना, स्ट्रीमर भाई, ठीक है, फ्लेयर का स्ट्रीमर, FLAI फ्लेयर स्ट्रीमर। तो एकदम फाइन है ना, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। स्मज टेस्ट कर लेते हैं इसका, ठीक है, तो स्मज भी ये नहीं होता है गाइस, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया पेन था, साथ में आपको एक रिफिल भी फ्री मिल जाती है गाइस, है ना। तो यहाँ पे गाइस हमने आपको सारे पेन जितने हमारे पास 40 अवेलेबल पेन से बता दिए हैं, है ना गाइस। अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हर कैटेगरी में ओवरऑल विनर मुझे कौन सा पेन लगा। ओके गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हर कैटेगरी में बेस्ट बॉल पेन कौन सा रहा गाइस। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था, एंड गाइस मान के चलिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी एक एक पेन को ढूंढ के निकालने में गाइस, है ना। एंड अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ यार काफ़ी डिटेल वीडियो था, देन गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे, है ना गाइस, एंड नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिए। इससे क्या होता है गाइस, हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब सब्सक्राइबर्स ग्रो होते हैं। एंड गाइस हम हमारी पूरी कोशिश वैसे भी करते रहेंगे कि आपके लिए एक एक पेन चुन के लाएं, एंड गाइस जिससे आप एक सही बाय कर सकें, है ना गाइस। आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली बेस्ट अवेलेबल स्टेशनरी इंडिया में क्या है, एंड आप जो पैसे स्पेंड कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट क्वालिटी आपको कौन ऑफर करेगा गाइस। तो इसी क्वालिटी को हमको बनाए रखने में मदद करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको अब बता देता हूँ कि कौन सा बेस्ट पेन है गाइस। तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं गाइस कि ओवरऑल जो विनर है इस पूरे मेगा कंपैरिजन का गाइस, तो काफ़ी पेन मुझे लगे नेक टू नेक। बेसिकली यार इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है इन 40 पेन्स में कि बहुत मुश्किल है, बिल्कुल 0.1 के मार्जिन से ये थोड़ा आगे पीछे। तो ओवरऑल गाइस जो मुझे विनर लगा वो था बेसिकली गाइस क्लासमेट का ऑक्टेन बॉल। क्यों लगा गाइस ये विनर, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें आप रिफिल डाल के इसको कई बार यूज़ कर सकते हैं, स्मूथ है पेन और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। और जो इसके बाद मुझे लगे गाइस बेसिकली इसके साथ ही विनर में ही मैं डालना चाहूँगा नंबर 1 पोजीशन पे ही इसके साथ, वो था गाइस मोंटेक्स का विनर। इसके तो नाम में ही विनर है, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया पेन था, पकड़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन गाइस इसका जो डिज़ाइन है ये काफ़ी यूनिक है। इसका सबसे मेन पॉइंट इसका डिज़ाइन था, एंड गाइस लिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो ये तो हो गया नंबर 1। अब कई लोग बोलेंगे कि पेंटोनिक भी बहुत अच्छा पेन है, तो गाइस पेंटोनिक डेफिनेटली अच्छा पेन है, बट गाइस इसको नंबर 2 पे डालने का रीज़न ये है कि जितने इजीली आप इनको रिफिलेबल, बेसिकली मैं ना काफ़ी सारी कैटेगरी पे जज कर रहा हूँ कि आप इनमें रिफिल आसानी से डाल सकते हैं, पकड़ने में कैसा है, ग्रिप कैसी है, तो उसकी बेसिस पे ये थोड़ा सा, मतलब अगर ये 20 है ना तो ये 19.9 मान लो आप इनको, है ना, 19 भी नहीं बोलूँगा, 19.9 है ये हमारा पेंटोनिक, है ना गाइस। और इसी का एक अल्टरनेट अगर मैं आपको बताऊँ पेंटोनिक के साथ जो दूसरे नंबर पे आ रहा है गाइस, वो हमारे पास यहाँ पे 3 पेन है। अब यहाँ पे तीनों को मुझे सेकंड पोजीशन देनी पड़ी क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है गाइस। वो है सेलो के 3 नहीं, बेसिकली 2 ही पेन, ये दोनों तो सेम ही पेन है, वो है सेलो का मैवरो, है ना, या फिर एस्प्रो या फिर गोल्डेक्स का क्लासिक गाइस। अब यहाँ पे इनको सेकंड पे क्यों रखा है, क्योंकि गाइस क्या है कि ये वाले जो पेन है ये चलने में स्मूदेस्ट है, बेसिकली जो मैवरो है सबसे ज़्यादा स्मूथ चलता है सारे पेन से, मुझे सबसे फेवरेट लगा चलने में ये, है ना। एंड देन गाइस गोल्डेक्स का क्लासी भी इससे नेक टू नेक टक्कर लेता है, लेकिन गाइस गोल्डेक्स का जो क्लासी है उसको रिफिलेबल, बेसिकली इसमें जो रिफिल है ये थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है कि आप इसको रिफिल कर सकते हैं कि नहीं। और जो बेसिकली मैवरो है ये लिखने में तो स्मूथ है लेकिन बिल्ड क्वालिटी इसकी थोड़ी सी हल्की हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसको डायरेक्ट क्लासमेट से या फिर मोंटेक्स से कंपेयर करते हैं। इसलिए ये आता है गाइस हमारे, ये पेन्स आते हैं कौन से, पेंटोनिक, एस्प्रो एंड मैवरो, देन गोल्डेक्सा क्लासी, ये आते हैं गाइस हमारी 3rd पोजीशन पे। तो ये है नंबर 1 पोजीशन के विनर, ये है हमारी नंबर 2nd पोजीशन के विनर। 3rd पोजीशन पे गाइस मैं किसको रखना चाहूंगा, इनको मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी जगह बनाओ भाई। ओके, तो ये हमारे विनर्स आ चुके हैं 1, 2। एंड गाइस बात कर लेते हैं 3rd पोजीशन की, तो गाइस 3rd पोजीशन पे काफी कठिन कॉम्पिटिशन था, तो यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा गाइस ये वाला जो पेन है हमारा
जो कि था रेनॉल्ड्स की तरफ से हमारे पास पेन आ रहा था गाइस, किधर गया ये रहा रेनॉल्ड्स का लिक्विड फ्लो। तो गाइस अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेन है, लेकिन एक्चुअली मैं इतने मोटे पॉइंट से लिखना प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं हल्का सा पतला लेता हूँ। तो अगर आप बोल्ड पेन के फैन हैं तो गाइस ये बिना सोचे आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेन है। इसके साथ ही गाइस जो मुझे अच्छे पेन लगे रिट्रैक्टेबल कैटेगरी से मैं लेना चाहता हूँ वो था गाइस लग्जर का माइक्रा। दिखने में ये पेन बहुत प्यारा है, दिखने में बहुत प्यारा है, चलता भी उतना अच्छा है, लेकिन गाइस इसका जो लुक, जो थोड़े कॉस्टली पेन होते हैं इवन 20-25-30 रुपए के जो यूनिबॉल्स वगैरह आते हैं इनका लुक उसके जैसा मुझे लगा। तो लिखने में मुझे दिखने में बहुत अच्छा ये पेन लगा गाइस, एंड इसका क्लिकिंग मैकेनिज्म भी काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही अल्टरनेट में मैं एक और विनर डालना चाहता हूँ, दैट इज़ लिंक का सिग्नेटा। तो गाइस ये तीन पेन मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगे, है ना। क्यों बढ़िया लगे, इनका सबका स्पेसिफिक यूज़ है, ऐसा ये डायरेक्ट तो कम्पीट नहीं करते हैं, बट आपको क्या सा चाहिए, बोल्ड चाहिए तो ये लो, रिट्रैक्टेबल चाहिए तो इन दो के में ही मैंने आपको डिटेल रिव्यू में बता दिए कि कौन सा ज़्यादा बेटर है गाइस। ठीक है, तो ये हमारी हो गई थर्ड पोजीशन। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार तीन पोजीशन है, पेन तो आपने 10 डाल दिए, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है ना, आप लोग भी समझ रहे होंगे। थर्ड पोजीशन पे मैं और किसी को डालना चाहूँगा गाइस, या फिर कुछ इसके बाद जो हमारी ऑनरेबल कुछ मेंशंस अगर मैं करना चाहूँगा गाइस, तो डेफिनेटली ऐसे भी हमारे पास पेन्स है। यहाँ पे गाइस सेलो का जो बटरफ्लो था, ठीक है गाइस, और यहाँ पे हमारे पास जो आरटी पेन है, बेसिकली ये जो रेनॉल्ड्स का 046 आरटी है, ये वाला पेन। यहाँ पे गाइस एक बहुत मेरा फेवरेट पेन निकला, सेलो का डोकू फ्लो, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा पेन है। ठीक है, एंड गाइस इस वाली अगर यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ से मेरा जो फेवरेट पेन लुक वाइज अगर मैं देखूँ तो ये मैक्स राइटर है, बट ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। यहाँ पे गाइस मैं इसको लेना चाहूँगा, सेलो का पिन पॉइंट, है ना। एंड गैन गाइस आप यहाँ पे मेगा टॉप भी ले सकते हैं मोन्टेक्स की तरफ से, और क्या है गाइस पेंटल नटराज की तरफ से एक फ्लोइडेक्स में ले सकता हूँ, और पेंटल की तरफ से गाइस एक आई फिलेट भी अच्छा है, एंड हाँ उनोमैक्स की तरफ से गाइस उनोमैक्स अल्ट्रॉन 2X, ये भी काफ़ी अच्छा पेन है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, है ना, तो इसका पेंटोनिक जैसा ही डिज़ाइन है लगभग, बट यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आप इसको इजीली खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी है खोलने में, देन आप इसमें रिफिल वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये भी उनोमैक्स का 2X जो है, अल्ट्रॉन क्या नाम है इसका, उनोमैक्स अल्ट्रॉन 2X, तो गाइस काफ़ी बढ़िया ये मुझे भी पेन लगा, इसका भी यूनिबॉडी सा डिज़ाइन है, है ना। और कोई सा पेन है गाइस, लेट मी चेक, हाँ ये मैं कैसे भूल गया, एक मोन्टेक्स का विक्ट्री भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद था गाइस। ठीक है, और कुछ बचा है क्या, नहीं गाइस। तो ये बेसिकली कुछ वो पेन्स हैं जो मैं ऑनरेबल मेंशंस की कैटेगरी में डालना चाहूँगा। तो ये हमारे हो गए हैं फोर्थ कैटेगरी। ठीक है, तो ये हमारा था फोर्थ पोजीशन। तो गाइस ये मैंने क्लासिफाई कर दिए हैं आपके लिए सारे पेन्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि गाइस आपका फेवरेट पेन कौन सा है। ठीक है गाइस, आपको कौन सा पेन यहाँ पे बेस्ट लगता है गाइस। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको एक सरप्राइज दे देता हूँ कि इससे आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ दूँ क्या। ठीक है, देखो दिखाता हूँ गाइस आपको मैं। ओके गाइस, तो अब आप काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं कि गाइस यहाँ पे हमारे पास एक और मेगा कंपैरिजन आने वाला है। पहले आप ये देख लीजिए गाइस, ये हमारे पास सारे 5 रुपीज़ के पेन है। तो इतने सारे पेन है, पता नहीं कितने मैंने मेहनत की आप लोगों के लिए पेन ढूंढने में। एंड गाइस ये 5 से लेकर लगभग 6 to 7 रुपीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है, तो इनका कंपैरिजन भी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं गाइस। तो अब तो सब्सक्राइब करना बनता है, और अगर अभी भी आपको कमी लग रही हो, और दिखाता हूँ, इनको रखते हैं साइड में गाइस। यहाँ पे ये देखिए, ये है हमारे पास गाइस 20 रुपीज़ के बहुत सारे पेन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से पेन है गाइस। ठीक है, तो इन पे भी हम एक मेगा कंपैरिजन मैंने बांध के रखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत से ढूंढे आपके लिए सारे 20 रुपीज़ के पेन है। ठीक है, एंड 30, 40, 50, 60, 80 रुपीज़ के काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एंड गाइस एक डिटेल कंपैरिजन हर प्राइस में आपके लिए बनाने वाला हूँ गाइस। तो यार अब तो सब्सक्राइब करना बनता ही, एंड लाइक भी बनता है गाइस। ठीक है, और हाँ एक रिक्वेस्ट और है गाइस, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे पेन है, बट अगर आप चाहते हैं 20 रुपीज़ में या 5 रुपीज़ में, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक पेन रिव्यू करूं, तो प्लीज़ अपनी एक लिस्ट नीचे डाल दें, तो मैं कोशिश करूंगा जितने मैक्सिमम पेन अगर नहीं है तो कलेक्ट कर लूंगा उनको, एंड गाइस रिव्यू आपके लिए लेके आ जाऊंगा गाइस। ठीक है, तो इनको रखते हैं साइड में। तो ये था गाइस हमारा एक मेगा कंपैरिजन बिटवीन बॉल पेन, सभी ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही चैनल को और देखते रहिए गाइस। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छे पेन्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय।